अच्छा जी, आज जो हम काम कर रहे हैं वो ये है कि सेल इंजरी के डिफरेंट जो कॉजेज हैं उनके ऊपर हमने बात की थी, और आपको याद होगा कि हमने उसके ऊपर अच्छी खासी डिटेल में गुफ्तगू की थी कि जो डिफरेंट सेल इंजरी के कॉजेज हैं उनको हम किस तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है, और वो उनकी वजह से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। अब उसके बाद आगे का जो उसका जो टॉपिक है वो क्या है कि जब सेल इंजरी के कॉजेज आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो कॉजेज डिफरेंट तरीकों से सेल इंजरी का एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसको वो फॉलो होता है, और उस तरह से जो है वो लोगों को जो है वो डिजीज का प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पैथोजेनेसिस। आज हम जो बात करेंगे वो एक या दो जो डिजीज टाइप्स हैं उनकी पैथोजेनेसिस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ठीक है जी। पैथोजेनेसिस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी पिछले दिनों किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप पे, उसका भी यही आंसर है कि द कोर्स ऑफ डिजीज। कोर्स ऑफ डिजीज का मतलब क्या है कि डिजीज क्या पाथवे लेती है और किस तरह से वो डिजीज प्रोग्रेस करती है, यानी एक पॉइंट है पॉइंट ए या पॉइंट वन उसको कह लें, वो पॉइंट है जहां पर के एक बंदे को पॉजिटिव एजेंट से एक्सपोजर होता है। अब वो पॉजिटिव एजेंट जैसे कि हमने कल बात की, गनशॉट भी हो सकता है, स्टैब वुंड भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकती है, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है, व्हाट सो एवर इज द कॉज, या कोई इंफेक्शियस एजेंट हो गया, उसका जो भी कॉज हो वो उस पॉजिटिव एजेंट से जो एक्सपोजर होता है ये पॉइंट ए होता है। उसके बाद डिजीज प्रोग्रेस करती है पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके एक एबनॉर्मैलिटी, मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी, जेनरेट हो जाती है। नाउ दिस मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी दैट इज जेनरेटेड लेट से स्टेप 5 पर भी हो सकती है, स्टेप 10 के ऊपर भी हो सकती है, स्टेप 20 के ऊपर भी हो सकती है, व्हाट सो एवर, जिस भी स्टेप के ऊपर ये मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी आएगी और उसके नतीजे में फर्स्ट सिम्टम डेवलप होगा। यहां तक का ये जो पूरा जो मैकेनिज्म है दरमियान का, इसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है जी, अब ये जो पैथोजेनेसिस है इसके हवाले से हम आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अब यहां तक ये बात समझ में आ गई तो हैंड्स रेस कीजिए प्लीज। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे, आज जो पहला मैकेनिज्म अगर आपको याद हो तो कल हमने जो डिस्कस किया था पॉजिटिव एजेंट, जो पहला पॉजिटिव एजेंट या हमने बात की थी वो हमने बात की थी हाइपोक्सिया की, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज हाइपोक्सिया, एज वी डिस्कस्ड इट यस्टरडे के हाइपोक्सिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, अगर आपको याद हो बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है दैट मींस हम रेस्पायर करते हैं। अच्छा, वो जो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है अगर आपको याद हो तो हमने अगर सेल पढ़ा था तो उस सेल में अगर आपको याद हो तो जो एक वाहिद ऑर्गेनील है जो रिस्पायर करता है हमारी बॉडी के, हमारे सेल के लिए, और हमारे सेल का लंग कहलाता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आपको याद हो तो एक साइकिल है या एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और तीसरा नाम क्या है इसका,
रेस्पिरेटरी साइकिल। मैम जी, मैम बहुत सारे बच्चों को आ रही, क्लियर नहीं हो रही आवाज। तो उनके इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा ना बेटा, मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ। आवाज तो मैं जो माइक मेरे बिल्कुल मुंह के साथ रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे हाइपोक्सिया की, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन ऑर्गेनेल दैट इज रेस्पायरिंग फॉर अस। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तो से फॉर एग्जांपल ये रेस्पिरेशन नहीं होती, तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखते हुए अगर हमें एक चीज का जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में अगर ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन नहीं होती है, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपके पास एटीपी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, रिवाइज भी कर लीजिएगा एक मरतबा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लास्ट स्टेप पे इस्तेमाल होता है, और जो लास्ट स्टेप पे जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है तो उसके नतीजे में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडीपी मॉलिक्यूल के साथ एडअप होता है और आपको एक एटीपी मॉलिक्यूल मिल जाता है। यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज मेकिंग वन एटीपी। अब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होती है तो उसके नतीजे में हमको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो होल एंड सोल एनर्जी करेंसी है वो एटीपी कहलाती है। एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन की जरूरत है। अब ये पूरा जो एक मैकेनिज्म है अगर आपको समझ में आ गया हो, तो अगर इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या कुछ हो सकता है, ये थोड़ा सा मुझे कोई आइडिया देना चाहेगा। कोई एक अपना माइक थोड़ा सा खोल के मुझे बताइए कि अगर हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा। एनीबॉडी वांट्स टू टेल मी? मैम, अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी बॉडी में तो इस्कीमिया कॉज हो जाएगा, यानी टिश्यूज के अंदर जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, इसके वजह से टिश्यूज डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर इसको ओवरकम ना किया गया तो लीड टू सेल डेथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब यही एग्जैक्टली यही जो चीज है कि जो डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो उसमें क्या क्या होगा वो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि जी ये एक सेल है, ठीक है जी, और इस सेल के अंदर ऑक्सीजन चला गया, तो ये ऑक्सीजन जाके आपका एटीपी की सिंथेसिस करता है, ये एटीपी आपकी सेल्यूलर फंक्शंस परफॉर्म करता है। माइक खुला हुआ है किसी का, प्लीज माइक बंद करें। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये जो मैकेनिज्म है ये ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन का, अब ये हम बात करें कि यहाँ से ऑक्सीजन अब नहीं आ रही, ठीक है जी। अब जब ये ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो क्या होगा, जो बिल्कुल बिल्कुल जो मोटी मोटी चीजें हैं उनके हवाले से अगर हम बात करते हैं, ये ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो सबसे पहला इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, और जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रही है या बल्कि वहीं एक वाहिद जगह है जहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है वो कौन सी जगह है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का जो इफेक्ट है वो कहां पे पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे पड़ेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा उसके नतीजे में एटीपी की सिंथेसिस हॉल्ट कर देगा। ठीक है जी, एटीपी की सिंथेसिस हॉल्ट होने के नतीजे में क्या होगा, एनर्जी डिप्लीशन होगी। अगर ये एनर्जी डिप्लीशन होगी तो सबसे पहले क्या होगा उसके नतीजे में, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल हमारी बॉडी में हो रही होती है क्योंकि हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। यानी देखें एटीपी के एटीपी बनने का जो एक सोर्स है वो क्या है कि एक तो आपके पास एडीपी होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है, फॉर एटीपी सिंथेसिस। पहली चीज तो हो गई एटीपी सिंथेसिस के लिए कि आपके पास एडीपी होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरा आपके पास ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है जी। तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है
cofactors. For electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कोफैक्टर्स क्या क्या हैं? NADH, FAD, GTP. ये तीनों जो कोफैक्टर्स हैं ये कहां बनते हैं? TCA यानी सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. यहां पे ये तीनों कोफैक्टर्स बनते हैं और यहां से ये कोफैक्टर्स जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाके और फिर वहां पे एज अ कोफैक्टर इस्तेमाल होते हैं और इसके नतीजे में आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो लास्ट स्टेप पे आपको एडीपी की कन्वर्जन करवाता है इनटू एडीपी प्लस पीआई, इसकी कन्वर्जन कराता है इनटू एटीपी. यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल. ठीक है जी. अच्छा, अब ये जो आपको कोफैक्टर्स मिल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कोफैक्टर्स मिल रहे हैं वो टीसीए से मिल रहे हैं आपको. और टीसीए को जो इसका जो पाइरूविक एसिड है वो कहां से मिलता है? ग्लाइकोलिसिस से मिलता है. अगर किसी को थोड़ा सा याद हो तो काइंडली आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस कितने टाइप की होती है? कोई एक माइक खोल के बता दे मुझे. एनीबॉडी? नो वन? ओके, हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर. ग्लाइकोलिसिस हमारे पास दो तरह की होती है, एक एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है और दूसरी एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है. एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के एंड पर आपको कितने एटीपीज मिलते हैं? एनीबॉडी? If I'm not wrong, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको एक दफा चेक कर लीजिएगा. जहां तक मुझे याद पड़ता है हमें 8 ATPs मिलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के एंड पर, और एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के एंड पर हमें 2 ATPs मिलते हैं सिर्फ. ठीक है जी. अच्छा, अब अगर हम वापस से दोबारा से उधर जाएं कि जी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के नतीजे में क्या हो रहा है? एनर्जी डिप्लीशन हो रही है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के नतीजे में माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी सिंथेसिस का हॉल्ट हो रहा है और एनर्जी डिप्लीशन हो रही है. अब ये जो एटीपी की डेफिशिएंसी होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? एक तो पहली बात यह है कि स्टेप नंबर 1, डिप्लीशन ऑफ एटीपी synthesis. Number 2, occurrence of anaerobic glycolysis. ठीक है जी. anaerobic glycolysis में जो नुकसान होता है वो ये होता है कि एक तो 2 ATPs बनते हैं और उसके बाद उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है. लैक्टिक एसिड की ज्यादती बॉडी के अंदर या सेल के अंदर लीड्स टू एसिडोसिस.
ठीक है जी. नाउ दिस एसिडोसिस विल लीड टू this acidosis will lead to number 1 abnormality of protein functions. अच्छा ये एक एक यही चीज जो है ना वो खांसी से ज्यादा काफी है किसी भी जगह पे डैमेज कॉज करने के लिए. एबनॉर्मैलिटी ऑफ प्रोटीन फंक्शंस. प्रोटीन सेल के अंदर कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं, हर किसी को मालूम है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है. लेकिन फिर भी हम क्योंकि हमें इस पे एबनॉर्मैलिटी पे बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं कि जी प्रोटीन फंक्शंस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं. नंबर 1 आपके पास होते हैं एंजाइम्स. एबनॉर्मल एंजाइम्स के नतीजे में क्या हो सकता है, आइदर एक्टिव मेटाबॉलिज्म और नो मेटाबॉलिज्म. दोनों चीजें बहुत एबनॉर्मल है. अगर एक चीज को 5 से 7 मिनट के अंदर होना चाहिए और वो 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल नहीं. लेकिन अगर एक रिएक्शन जो है उसको आधे घंटे में कंप्लीट होना है वो किसी सूरत कंप्लीट ही नहीं होता तो ये भी नॉर्मल नहीं है. तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो एसिडोसिस के नतीजे में वो गड़बड़ कर जाती है. दूसरा ये है कि आपके पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और साइटोप्लाज्म को जो है वो एक प्रॉपर अपीयरेंस देते हैं. ये जो प्रोटीन्स है उस प्रोटीन मैशवर्क के अंदर आपके ऑर्गेनिल्स अटैच्ड होते हैं. अगर तो किसी भी वजह से प्रोटीन के फंक्शंस ऑल्टर होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं वो भी डिसेबल होना शुरू हो जाएंगे. नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज कॉज होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है जी. स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज होने के बाद फिर जो एक और जो बहुत बड़ा मसला है वो क्या है आपका कि आपके जो चैनल प्रोटीन्स है, चैनल प्रोटीन्स की फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो सकती है. ठीक है जी. और उसके नतीजे में क्या होगा कि आइदर खुल जाएंगे या बंद हो जाएंगे. खुल जाएंगे मुस्तकिल तौर पर खुल जाएंगे उसका मतलब क्या है कि सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट अफेक्ट हो जाएगा. अगर बंद हो जाते हैं ऑब्वियसली बात है टॉक्सिन सेल के अंदर जमा हो जाएंगे जो कि सेल के बाहर नहीं जा सकेंगे. दोनों सूटों में सेल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. क्लियर है ये बात. रेज योर हैंड्स. अब तक का जो कुछ मैंने बताया है समझ में आ गया. थैंक यू सो मच. ओके अच्छा अब इसके बाद फिर हम जब बात करते हैं कि जब ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद जो एक और चीज होती है वो ये कि जब ये चैनल प्रोटीन्स ओपन होते हैं तो उसके नतीजे में सेल के अंदर डिफ्यूजन शुरू हो जाती है और इस डिफ्यूजन के नतीजे में जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो आता है सेलुलर स्वेलिंग ऑफ द सेल. ठीक है जी. जो सेलुलर मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी ऑल्टर हो जाती है. ठीक है. अच्छा अब ये जब चीज होती है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो रहा है कि जो एक जो गार्ड सिस्टम है सेल मेम्ब्रेन का वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में ये होता है कि जी जो जो एक्स्ट्रा सेलुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो इंट्रा सेलुलर होना शुरू हो जाते हैं और जो इंट्रा सेलुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है जी. अब ये जब तमाशा शुरू होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जब ये पानी साइटोप्लाज्म में भरता है तो इनिशियली तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में रहता है लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जब पानी भरना शुरू हो जाएगा तो उसके नतीजे में और भी बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज होंगी. सोडियम की अच्छा पानी भरने का एक रीजन ये भी है कि जब आपके चैनल प्रोटीन्स खुल रहे हैं तो सोडियम की इन्फ्लक्स हो रही है. सोडियम यूजुअली सेल से बाहर होता है. हम जानते हैं कि सोडियम का जो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो जो उसकी जो क्वांटिटी है वो है 146 मिली इक्विवेलेंट
पर लीटर एक्स्ट्रा सेल्यूलर. जबकि इंट्रा सेल्यूलर जो है ये है 10 मिलीक्विलेंट पर लीटर. ऑब्वियसली बात है कि जब सोडियम ऑब्वियसली जब चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा और इस इन्फ्लक्स के नतीजे में आपको मालूम है जहां सोडियम जाता है वहां पे सिंपल डिफ्यूजन से वाटर की मूवमेंट होती है. तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा विच विल बी अल्टीमेटली लीडिंग टू अगेन फर्दर स्वेलिंग ऑफ द सेल. ठीक है, जब स्वेलिंग बढ़नी शुरू होती है जैसे मैंने बताया कि वो साइटोप्लाज्म तक नहीं महदूद रहती है तो वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो न्यूक्लियस के अंदर भी एंटर होना शुरू हो जाता है और फिर साथ में जो है वो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी एंटर होना शुरू हो जाता है. यहां तक क्लियर है? रेज योर हैंड्स. ओके, यहाँ पे मैं सेशन को एंड रिपीट कर दें. क्या चीज रिपीट करनी बेटा? सेकेंड पॉइंट, स्वेलिंग ऑफ द सेल. देखो मैं बता देती हूँ आपको स्वेलिंग ऑफ द सेल के हवाले से. जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि यूजुअली क्या होता है कि आपके चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो एसिडोसिस के नतीजे में नॉन फंक्शनल हो जाते हैं. जब नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो आइदर खुल जाते हैं या बंद हो जाते हैं. अगर तो बंद हो गए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चीज अंदर बाहर नहीं होगी. लेकिन अंदर बाहर ना होने के नतीजे में क्या होगा कि जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कंटिन्यूसली सेल के अंदर वो बाहर नहीं जा सकेंगे एंड दैट विल ऑब्वियसली डैमेज द सेल. लेकिन जब हम दूसरी चीज की बात करते हैं कि जिस चैनल प्रोटीन्स ओपन हो जाते हैं तो चैनल प्रोटीन्स ओपन होंगे तो सारे चैनल प्रोटीन्स ओपन होंगे. अगर तो सोडियम चैनल ओपन होता है तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमें मालूम है कि नेचुरल टेंडेंसी है सोडियम चैनल के ओपन होने के नतीजे में सोडियम अंदर आएगा. ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मौजूद है, ये मैंने आपको वैल्यूज बताई है. तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि सोडियम को हर सूरत में इन्फ्लक्स करना पड़ता है. जब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है तो सिंपल डिफ्यूजन से वाटर उस सोडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी के अंदर आता है. तो सेल के अंदर जब सोडियम आएगा तो साथ में वाटर भी आएगा. जब वाटर आएगा तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, पानी की जब जाती होगी किसी भी जगह पे तो वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी. मैंने ये कहा कि ये स्वेलिंग जो है वो फिर आगे जो है वो कंटिन्यू करती है और वो स्वेलिंग उस वक्त तक खत्म मतलब वहां पे ही नहीं रह जाती कि जी खाली साइटोप्लाज्म के अंदर स्वेलिंग रहे. वो स्वेलिंग आगे कंटिन्यू करती है, न्यूक्लियस के अंदर भी वो स्वेलिंग हो जाती है और उसके बाद ऑर्गेनिल्स के अंदर भी ये स्वेलिंग जाती है. And this type of the change is known as the reversible kind of cell injury. यहाँ पर इसको session को हम बंद कर रहे हैं. इसके बाद मैं दोबारा से आपको session में लेती हूँ.